खबर रघुनाथपुरा से। पंचायत के पंचायत कार्य के लिए अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कृपया करके प्रशासन को हम न्यूज फ्लैश के माध्यम से सूचना करते हैं कि यहाँ पर पंचायत के कोई सदस्य टाइम पर नहीं आता, और आते हैं तो एक घंटा एक डेढ़ घंटे में चले जाते हैं। कृपया करके पंचायत के सभी जनता दुखी है, धन्यवाद। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जनता की आवाज सुनाएं। पंचायत प्रशासन अशोक चौधरी अशोक चौधरी पंचायत प्रशासन पंचायत प्रशासन अशोक चौधरी अशोक चौधरी पंचायत प्रशासन पंचायत प्रशासन। पिछले लंबे समय से ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा पदेन सचिव अशोक चौधरी जो अपने यथावत समय के कारण यहाँ पंचायत में समय पर नहीं आ रहे हैं, जिससे लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, और केवल एक महीने में दो या तीन बार आकर चले जाते हैं और मात्र 5 से 10 मिनट या फिर मिनिमम आधा घंटा यहाँ रहकर वापिस निकल लेते हैं। उसके बाद जो उनके पंचायत सहायक हैं दिनेश जी शर्मा करके, उनको भी समय यहाँ पर व्यवस्थित टाइम नहीं मिल पाता है, अतः केवल 5 से 10 मिनट और केवल वो फॉर्मेलिटी करने के लिए सिर्फ यहाँ आ जाते हैं। और पंचायत में काफी आकार लंबा है, जिससे पंचायत के वृद्धजन, बुजुर्ग, अशिक्षित और दूर दूर से राजस्व गांव और इनके क्षेत्रों रघुनाथपुरा पंचायत क्षेत्र से लोग जो आते हैं पंचायत में, रिलेटिव चाहे पट्टे का काम हो, चाहे नरेगा योजना का काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, या पंचायत से रिलेटिव किसी भी प्रकार का कोई काम हो, लोग यहाँ पर आते हैं। अभी मैंने भी देखा एक वृद्धजन और काफी गाड़ियां आके गई थी। इन सब युवाओं को यहाँ पर काम होता है पंचायत में, और कोई भी युवा पंचायत का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पदेन सचिव अशोक चौधरी को फोन लगाता है, फोन रिसीव नहीं करते हैं, कोई भी बहाना बना लेते हैं और हफ्ते में एक या दो बार आकर चले जाते हैं। अतः इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा विकास अधिकारी को और सीओ साहब को और संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, उनको मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगा कि या तो आप जो पदेन सचिव अशोक चौधरी है उनका यहाँ से स्थानांतरण कर दे, या फिर अशोक चौधरी रघुनाथपुरा के अंदर ग्राम पंचायत मुख्यालय के अंदर जो टाइम प्रोसेस है टाइम के ऊपर आना शुरू कर दें, जिससे हम ग्राम पंचायत वासी जितने भी हैं उनकी समस्या का समाधान हो सके। अतः इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पुनः एक बार माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जाएं, नहीं तो ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा के समस्त युवा बुजुर्ग जितने भी लोग हैं यहाँ पंचायत मुख्यालय के ऊपर धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन भी हो सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। पंचायत प्रशासन पंचायत प्रशासन अशोक चौधरी अशोक चौधरी पंचायत प्रशासन। और अभी मैं एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहूंगा, पंचायत का जो समय होता है सुबह 8 से 6 या 8 से 5 रिलेटिव जो भी टाइम होता है, अभी ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा मुख्यालय के अंदर एक भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं पंचायत के ऊपर ताला लगा है, आप सबसे पहले बोर्ड देख सकते हैं ग्राम पंचायत रघुनाथपुरा मुख्यालय का ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है, और उसके बाद जो पंचायत का गेट है किस तरह बिल्कुल लॉक है आप बिल्कुल देख सकते हैं। पूरी तरह बिल्कुल बंद है और अभी दिन में मात्र 2 बजे है। ये 2 से 3 का अभी समय और रोज रोज की ये समस्या है। कोई भी पंचायत का अधिकारी समय पर पहुंचकर यहाँ पर नहीं कर रहा है अपनी अटेंडेंस। अतः मैं श्रीमान से रिक्वेस्ट करूंगा इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाए।